सुग्रीव ने भाई बाल को गुफा में बंद क्यों किया और किस श्राप से बाल ऋषमुख पर्वत पर नहीं जाता था। जय श्री कृष्ण बंधु, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज का प्रसंग रामायण से है, जो कि ये प्रसंग बहुत ही रहस्यमयी एवं रसमयी है, जिस कथा में आपको हम आज बताएंगे और जानकारी देंगे कि पंपापुर का राजा बाल को सुग्रीव एक बार एक गुफा में बंद करके क्यों भाग आए थे एवं किस श्राप से सुग्रीव का भाई बाल ऋषमुख पर्वत पर नहीं जाता था। तो जानते हैं इस वीडियो में, परंतु हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान श्री राम अपने भाई के साथ सीता की खोज करते हुए ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे, वहां बाल के भाई सुग्रीव से इनकी भेंट हुई, यानी मुलाकात हुई। सुग्रीव ने सारा हाल भगवान श्री राम से कहा। फिर राम सुग्रीव के जीवन का सारा हाल समझ करके, जान करके पूछने लगे, हे तात सुग्रीव, तुम किस कारण से वन में पड़े हो। तब सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, एक बार मैं दानव का पुत्र मंदोदरी का भाई रावण का साला मायावी था। उसने आधी रात में आकर के पंपापुर में पुकार मारी, ललकार मारी। उसकी हुंकार सुनकर के बाल उस पर दौड़ पड़ा। तब मायावी भाग गया। बाल को जाते देख करके मैं भी भाई के साथ हो गया। वह दैत्य पर्वत की गुफा में घुस गया। तब बाल ने हमसे कहा, हे सुग्रीव, मैं इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा हूं और जब तक शत्रु को न मार डालूं तब तक तुम एक पक्ष तक हमारी रास्ता देखना। जो न लौटूं तो जानना कि आपका भाई बाल मारा गया। हे नाथ, मैं उस बिल पर 1 वर्ष से भी अधिक समय तक अधीर होकर के खड़ा रहा। मैं अति डर गया। हे राम, उसी समय उस बिल में सहसा फैन सहित खून की धारा निकली। मैंने मन में अनुमान किया कि भाई बाली मारा गया है। यह राक्षस मुझे भी नहीं छोड़ेगा और हमें भी मार देगा। दोस्तों, मैंने उस बिल के द्वार पर एक पत्थर को चट्टान लगा दी और मैं नगर को चला आया। समाचार सुनाकर नगर में खलबली पड़ गई, प्रजा बिलखने लगी। हे राम, मंत्रियों ने बिना राजा के नगर देख करके मुझे राज पर अभिष्कृत कर दिया, राजा बना दिया। बाद में भाई बाली दैत्य को मार करके जब घर आया तब मुझे राजपद पर देखकर बड़ा क्रोध किया। रिब के समान नाथ मुझे मार करके उसने भगा दिया। मेरे सब मंत्री कैद करा लिए। हे राम, यद्यपि मैं राजपद पर था तब पापी बाल को कैद करने में समर्थ था, तथापि बड़े भाई के नाते मुर्भाव होने से मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि धर्म नीति है और यह धर्म नीति के विरुद्ध है। मेरा भाई था। गृह धन स्त्री सर्वस्व मेरा हर लिया। हमें शीघ्र ही घर से निकाल दिया और इसी कारण भय से होकर के कृपालु में सकल भुवनों में बेहाल फिरता रहा। हे नाथ, यह सांप के बस से वैसे बाल यद्यपि इस जगह पर नहीं आता है, उसे भय रहता है और मैं यह निश्चिंत रहता हूं। सुग्रीव के दुख में वचन सुनकर के दीनदयाल श्री राम ने दोनों विशाल भुजा उठा करके कहा कि हे सूर्य पुत्र सुग्रीव, सुनो, मैं इंद्र सुमन बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। जो ब्रह्मा और श्री शंकर भी बाल की रक्षा करें तो भी बाल के प्राण उतर नहीं सकते हैं। दोस्तों, सुग्रीव ने कहा, हे राम सुनिए, बाल रणधीर है, अतबली है और यह संसार में विख्यात है। बाल निरंतर सूर्योदय से पहले भूमंडल के चारों तरफ के सागरों में स्नान कर घूमाता है, लेकिन थकता नहीं है। हे नाथ, एक बार की बात है कि मैं दानव का पुत्र रावण का साला दुंदुभि दैत्य जो था वो सागर के पास गया और सागर के अधिष्ठाता देव से युद्ध अवसर मांगने लगा। कालवसी दैत्य को देव ने अपनी असमर्थता कहकर के हिमांचल के पास भेज दिया। शैलराज ने कहा, दैत्यराज, हम तुमसे लड़ने में असमर्थ हैं, तुम पंपापुर बालों के पास चले जाओ। वह शीघ्र ही बाली के पास आया और समरदान मांगा। बाली तो चाहता ही था, बस अनेक प्रकार से दाव पैंच की लड़ाई होने लगी। बाल और दुंदुभि दोनों बड़े समर वीर थे। उनका 4 पैर तक युद्ध हुआ। तब बाल ने उस दैत्य के सींग पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और उसको बाल ने ऊपर से दबोच लिया। दैत्य के छिद्रों से रक्त निकलने लगा। वह घोर चीत्कार करते हुए मर गया। हे राम, वह दुंदुभि भैंसा का रूप में था। घुमाकर बाल ने फेंका, सो 400 कोस पर मतंग मुनि के आश्रम पर जा गिरा। वहां हवा संग रक्त की बूंदे मतंग के स्थान पर पड़ गईं। ये देख करके मतंग मुनि ने कुपित हो तपोबल से सब जान लिया कि सब बाल की करनी है। तब क्रोधा अग्नि को प्रकट कर साफ दे दिया कि इस पर्वत पर अगर बाल आएगा तो वह यहां पर मारा जाएगा और खत्म हो जाएगा। ये साफ मुनि ने बाली को जब दिया था। हे राम, इसी कारण बाल यहां नहीं आता है और यहां उसकी कोई दुचाल भी नहीं चलेगी और मैं निश्चिंत होकर के इसलिए इस ऋषमुख पर्वत पर रहता हूं। तो यही कारण था कि बाल जो था ऋषमुख पर्वत पर नहीं जाता था। और पहला कारण वो ये था कि अपने भाई को मरता समझ करके सुग्रीव ने वो चट्टान पत्थर की लगा दी थी। यही कारण था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कैसा लगा हमारा ये रामायण का प्रसंग रहस्यमयी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करना और दूसरों को भी शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शकों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।